हाय गाइस, वेलकम बैक अवर चैनल माझी वर्ल्ड। और आज है संडे और अभी मैं सो के उठी हूँ, 8 बज रहे हैं और पागलों की तरह देखो वीडियो बना रही हूँ। एक्चुअली मैं ना हेयर मसाज के लिए बहुत दिनों से रिक्वेस्ट आ रहा था, तो यार पार्टनर तो नहीं मिली, मतलब मेरी जो पार्टनर है ना वो उनको काम है ना, वो भी जॉब करती है, तो टाइम उनको नहीं मिल पा रहा है। तो मैंने उसको बोला तो उन्होंने कहा कि दीदी टाइम नहीं है अभी, तो मैं सोची कि चलो मैं खुद से ही कर लेती हूँ चम्पी। आई होप आप लोग को पसंद आएगा। और वैसे भी 2-3 घंटे के बाद मैं हेयर वॉश करूँगी ही, आज संडे है, तो हेयर ड्राई के ऊपर भी वीडियो बन जाएगा और चम्पी के ऊपर भी वीडियो बन जाएगा। तो मैं कोशिश कर रही हूँ कि आप लोग सो मुर्गे ने आवाज़ दे दिया था जिसके कारण पूरा दिमाग मेरा ख़राब हो गया था, तो सॉरी। ये तो चलो बहुत ज़्यादा बकबक मैंने कर लिया, बकबक इसलिए किया क्योंकि काफ़ी ज़्यादा दिन हो गए थे आप लोगों से मैं बात नहीं की थी, काफ़ी ज़्यादा मिस मैं आप लोगों को कर रही थी, तो सोचा थोड़ा सा दिल का बात आप लोगों से मैं कर लेती हूँ। दिल की बात तो नहीं, ऐसी नॉर्मली बात, कभी फुर्सत में बैठेंगे तो दिल की बात भी कर लेंगे आप लोगों से। तो चलो फिर मैं करती हूँ मसाज, ओके। सो फ्रेंड, ये देखिए हेयर को मैंने 2 पार्ट में डिवाइड कर लिया है, और ये जो कटोरी मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ ना, उसमें मैंने लिया है ऑयल। ऑयल के नाम पे मैंने लिया है कैस्टर ऑयल और बजाज आलमंड ड्रॉप का तेल, दोनों को मैंने मिक्सअप कर लिया है। और इस तरीके से फिर आपको जड़ों में लगाना है हेयर को। तो ऐसा नहीं है कि कोई अगर ऑयल लगाने वाला नहीं है, मसाज करने वाला नहीं है, तो आप खुद से नहीं कर सकते, ऐसा नहीं है। एवरीथिंग इज़ पॉसिबल, राइट। तो यहाँ पे मैं खुद ही कर ले रही हूँ। ये देखिए, इस तरीके से आपको पार्टीशन करते जाना है और जड़ों को ओपन करना है, और जड़ों में इस तरीके से आपको अपने फिंगर्स को डिप करके ऑयल में, जड़ों में ऑयल को आपको मसाज करते हुए लगानी है, ये देखो इस तरीके से। तो इसी तरीके से आपको सारे हेयर में लगा लेनी है। और यहाँ पे ना जो पर्दा है ना, ईट का जो पर्दा बोलते हैं, उस पर मैंने ऑयल रखा है। और ये जो ऑयल की कटोरी है ना, वो बार बार देखो कैसे गिर रही थी, शायद उतने अच्छे से नहीं दिख रहा है, तो मुझे डर यही था कि यार ये कटोरी कहीं गिर मत जाए, पूरा गुगली हो जाता, नहीं तो वीडियो में मेरा बेइज्जती, फुल बेइज्जती हो जाता। तो मैं वही देख रही थी कि ये कटोरी गिर ना जाए, क्योंकि आप लोगों को पता है ट्राइपॉड तो है नहीं मेरे पास, मैं सारा कुछ जुगाड़ से ही करती हूँ, और जुगाड़ से हो जाता है, तो गाइस मैं फालतू के पैसे खर्चे नहीं करना चाहती। और ऐसा नहीं है कि ट्राइपॉड ज़रूरी नहीं है, ट्राइपॉड बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और मैं बहुत जल्दी ख़रीदने वाली हूँ। पता नहीं मैं कितने बार बोल चुकी हूँ, लेकिन अभी तक मैंने नहीं ख़रीदा, लेकिन ख़रीदूँगी यार, बहुत जल्दी ख़रीदूँगी मैं, क्योंकि वीडियो बनाना तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है मेरे लिए। ज़रूरी इसलिए है क्योंकि मैं आप लोगों से हमेशा कनेक्टेड रहना चाहती हूँ, बिल्कुल भी यूट्यूब जानते ही हैं आप, यूट्यूबर बनना मेरा सपना है, जो कि आप लोगों के बिना बिल्कुल भी साकार नहीं हो सकता। तो यही है, मैं चम्पी करते करते चम्पी नहीं सॉरी ऑयल लगाते लगाते आप लोगों से थोड़ी बहुत बकबक कर रही हूँ, तो आप लोग थोड़ा झेल लेना मेरा बकबक। कभी कभी मन करता है कि आप लोगों से बातें करूं, तो बस वही कर रही हूं मैं, दोनों काम हो रहा है, इधर ऑयल भी लग रहा है और बातें भी हो रही है आप लोगों से। और थैंक यू सो मच गाइस, आप लोग इतने प्यारे प्यारे कमेंट करते हैं ना, कि उसे पढ़ के मुझे बहुत ज़्यादा हैप्पी फील होता है। ऐसे ही प्यार और सपोर्ट आप लोग बना के रखिए, और मैं कोशिश करूँगी कि हर रिक्वेस्ट मैं आप लोगों की पूरी करूँ जिसमें मैं कंफर्टेबल हूँ। और ऐसे ही आप लोग प्यार और सपोर्ट बना के रखिएगा, भले ही मैं अभी थोड़ी सी बिज़ी हूँ जॉब के कारण, बट जब भी मुझे टाइम मिलता है जनरली संडे को, तो मैं वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करती हूँ। लेकिन संडे ऐसा होता है ना, संडे का धमाका हो जाता है, मतलब बहुत सारे काम पेंडिंग हो जाते हैं, कपड़े धोने हैं वगैरह वगैरह, तो संडे का दिन भी निकल ही जाता है। सो फाइनली बातें भी ख़त्म हो गई और ऑयलिंग हो गया हमारा। अब इस तरीके से आपको करनी है मसाज, ये देखो सारे फिंगर को आपको अंदर की तरफ ले जाके ऐसे ही आपको मसाज करनी है, ये देखो इस तरीके से आपको मसाज करनी है। और मसाज आपको ना गाइस एकदम हल्के हल्के हाथों से करनी है, खुद से करो तो नींद नहीं आती है, लेकिन अगर कोई दूसरा चम्पी करता है ना, तो बहुत रिलैक्स फील होता है और नींद भी बहुत अच्छी आती है। तो इस तरीके से आपको करनी है मसाज, और मसाज आप चाहे तो 5 मिनट भी कर सकते हो, और अगर 15 मिनट आप कर रहे हो तो बहुत ज़्यादा बेस्ट है, क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है, जिससे ना हेयर की जो ग्रोथ
है ना वो बढ़ती है। तो इसी तरीके से आपको एकदम रिलैक्स होके मसाज करनी है एकदम हल्के हल्के हाथों से। अगर विंटर का सीज़न है तो आप ऑयल को गर्म करके मसाज करो। अगर गर्मी का दिन है, मतलब अभी गर्मी का सीज़न है, तो आप कोई भी ऑयल ले सकते हो ठंडक वाली, और इस तरीके से आप चंपी कर सकते हो। और चंपी करने के बाद आप चाहे तो रात भर के लिए ऑयल को छोड़ दो अपने बालों पर, या 2-4 घंटे के बाद आप हेयर वॉश कर सकते हो। तो जनरली मैं 2-4 घंटे में हेयर वॉश नहीं करती, बट अभी मैं करने वाली हूँ क्योंकि मुझे और एक वीडियो बनानी है जो मेरे ख्याल से मैं पहले डालूंगी और ये बाद में आएगा। तो इसी तरीके से आपको ऑयल को लेते हुए फिर से ये देखो पूरे हेयर के लेंथ में आपको ये देखो इस तरीके से लगानी है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपने जड़ में लगा लिया तो लेंथ को आप छोड़ दोगे, ऐसा बिल्कुल भी मत करिएगा। हेयर के पूरे जड़ से लेकर लेंथ तक आपको हेयर लगानी ही लगानी है ताकि बाल के हर पार्ट को अच्छे से पोषण मिल सके। और आपको पता ही है कि ऑयल जो है वो बालों को पोषण देता है, प्रोटीन देता है, और हमारे ऑयल में जो नेचुरल सीबम होता है, ऑयल होता है, उसको ये बैलेंस करके रखता है। नहीं तो अगर आप हेयर ऑयलिंग करोगे ही नहीं तो नेचुरल ऑयल जो है वो ख़त्म होने लग जाता है, बाल फिर रूखे सूखे हो जाते हैं और फिर झड़ने स्टार्ट हो जाते हैं। तो बेस्ट है कि आप हेयर ऑयल तो ज़रूर करो, हफ्ते में आप एक बार ज़रूर करो, बहुत ही ज़्यादा बेस्ट रहता है। और रात भर आप लगा के ज़रूर रखो, आपके बाल ना बहुत ज़्यादा सिल्की शाइनी हो जाएंगे। और आपको पता ही है, देख रहे हो कि मेरे बाल बहुत अच्छे तो नहीं हैं क्योंकि मैं उतनी ज़्यादा केयर नहीं करती हूँ, लेकिन फिर भी अच्छे हैं, एकदम रूखे सूखे झाड़ू जैसे तो नहीं हैं, अच्छे ही हैं। बिल्कुल भी मुझे ट्रीटमेंट करवाने की ज़रूरत नहीं है, मैं नेचुरल तरीके से ही ट्रीटमेंट करती हूँ जिससे मेरे बाल अच्छे ही हैं। और मैं काफ़ी दिनों से मेहंदी नहीं लगाई हूँ, तो मेहंदी का पैक भी मैं बहुत जल्दी लगाऊंगी, उसका वीडियो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो ये देखो फिर से मैंने दोनों बालों को दो बराबर भागों में बांट लिया है और फिर से मैं मसाज कर रही हूँ। तो यही है गाइस, आपको इसी तरीके से मसाज करनी है, और मसाज करने से ना जो रूसी वगैरह रहता है ना वो भी धीरे धीरे ख़त्म हो जाता है। तो आप जब भी ऑयलिंग करो तो मसाज आप ज़रूर करो, चाहे कोई मसाज करने वाला हो ना हो, अगर हो तो बेस्ट है आपके लिए। और मेरी सिस्टर तो नहीं थी, मैंने पहले ही बताया आपको, तो मैंने सोचा कि चलो मैं खुद से ही कर लेती हूँ, और वो जब फ्री होगी ना तो मैं इसका पार्ट टू भी लेके आऊँगी, क्योंकि वो तो मुझे बनानी ही है, वो तो आप लोगों का रिक्वेस्ट ही है, तो रिक्वेस्ट तो पूरा करना बनता है ना आप लोगों का, तो वो भी मैं पूरा करूँगी। और इसी तरीके से मैं देखो मसाज कर रही हूँ, और ऐसा नहीं है कि कोई दूसरा मसाज करता है तो ही रिलैक्स फील होगा, आप खुद से चंपी करो, आप खुद से भी अगर चंपी करते हो ना तो भी आपको बहुत ज़्यादा रिलैक्स यहाँ पे फील होने वाला है। और ये देखो चंपी मेरी इस तरीके से हो गई है। उसके बाद आपको सारे हेयर को ये देखो इस तरीके से आपको लेनी है, ये देखो। उसके बाद आपको जब आप बाल धोते हो ना इस तरीके से आप रगड़ते हो, वैसे ही आपको ये रब करनी है। लेकिन यहाँ पे एक ट्रिक है, आपको एकदम से रगड़नी नहीं है भाई, यहाँ पे ना आपको हल्के हल्के हाथों से इस तरीके से ये देखो मसाज करनी है, इस तरीके से जिस तरीके से आप बाल धोते हो ना उसी तरीके से। यहाँ पर आपको बिल्कुल भी एनर्जी नहीं लगानी है, बिल्कुल हल्के हल्के हाथों से करना है ताकि जो ऑयल है ना कहीं पर अगर रह गया हो तो वो सारा अच्छे से आपके हेयर में मिल जाए। ये देखो तो अच्छे से मिल चुका है। उसके बाद ये इस तरीके से आपको झड़ाना है। तो झड़ाते क्यों हैं ये भी मैं आप लोगों को बता देती हूँ, क्योंकि मसाज करते करते ना काफ़ी सारे बाल जो है वो उलझ जाते हैं, तो इसी कारण आपको इस तरीके से हाथों में ये देखो इस तरीके से आपको ये सुलझाना है, हाथों को बीच से आपको निकालना है ताकि जो भी उलझे हुए बाल है ना वो सुलझ जाए, और जो टूटते हैं ना बाल वो इस तरीके से हाथों में आ जाते हैं। तो ये दिखा देती हूँ मैं आप लोगों को पास से, अगर दिखे तो ये 3-4 बाल ही मेरे गिरे हुए हैं और ज़्यादा बाल नहीं गिरते हैं मेरे। अगर आप रेगुलर तो नहीं, हफ्ते में एक दो बार अगर आप ऑयलिंग कर रहे हो, हफ्ते में 2 या 3 बार आप हेयर वॉश कर रहे हो ना गाइस, तो भी परफेक्ट है यार, बिल्कुल भी आपको पैसे खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। आप इसी ट्रिक को भी फॉलो करते हो ना तो भी आपके हेयर बहुत ज़्यादा हेल्दी होने वाले हैं। और यहाँ पर आप देख ही सकते हो कि भले ही ज़्यादा लंबे नहीं है मेरे बाल, लेकिन हेल्दी तो है। अपने क्या बोलते हैं, कहावत है ना, अपने मियाँ मिट्टू वही मैं यहाँ पे कर रही हूँ, सॉरी किसी को बुरा लगे तो। मुझे सच में मुझे ना मेरे हेयर बहुत पसंद है, इसलिए मैं ये सारा कुछ बोल रही हूँ। और किसको पसंद नहीं होते अपने हेयर, तो सभी को पसंद होते हैं, मुझे भी बहुत पसंद है इसलिए मैं बोल रही हूँ यहाँ पे। तो इस तरीके से हो गया है हेयर। सो गाइस देखिए फाइनली मैंने हेयर मसाज कर लिया है। खुद से तो उतना अच्छा नहीं बनता, बनता है मतलब ऐसा नहीं कि नहीं होता है, होता है, बट कोई कर देना तो सुभान अल्लाह
बहुत अच्छा लग जाता है। तो बस ऐसे ही मैं मसाज कर लेती हूँ और रख लूँगी इसे 3-4 घंटे, जब तक मेरा घर का काम ख़त्म हो जाएगा तब तक ये ऐसे ही रहेगा, फिर मैं कर लूँगी हेयर वॉश। तो हेयर वॉश का वीडियो तो मैं नहीं, हेयर ड्राई का वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रहा है कि मैडम आप हेयर ड्राई के ऊपर वीडियो बनाइए बनाइए बनाइए। तो माई डियर फ्रेंड्स, मैं ज़रूर वीडियो बनाऊँगी। और यही था मेरा हेयर ऑयलिंग मसाज वीडियो। चलो मैं पास से आप लोग को दिखा देती हूँ अपना हेयर। ये देखिए, ये देखिए आप लोग। और ना मुझे अपने जो हेयर है ना गाइस, बहुत ज़्यादा पसंद है, सच में बहुत ज़्यादा पसंद है। तो एक मिनट यार, कैमरा पकड़ते नहीं बनता है। हाँ अब सही है। तो ये था हेयर मसाज वीडियो। तो चलो फिर मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिए गाइस, स्टे हैप्पी स्टे हेल्दी। बाय बाय, लव यू ऑल।